आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि असमान नाइट्रोजनी क्षारों में युक्त डीएनए का सर्वाधिक संभावित बनावट होगी। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं एक सूत्री, दो सूत्री, त्रिसूत्री और चार सूत्री। तो सबसे पहले बात करते हैं असमान नाइट्रोजनी क्षारों की। तो देखिए किसी भी डीएनए में चार तरीके के नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। चार नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। वो चार नाइट्रोजन क्षार इस प्रकार हैं। सबसे पहले एडेनिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है ग्वानिन और चौथा वाला होता है, देखिए एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। तो देखिए इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसमें जो एडेनिन होता है वो थायमिन के संग दो हाइड्रोजन बंध बनाता है, दो हाइड्रोजन बंध। उसी प्रकार से जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो जो पेयरिंग होती है वो एडेनिन थायमिन की होती है और साइटोसिन ग्वानिन की होती है। तो अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए क्योंकि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से बंध बना रहा है, यानी एक नाइट्रोजनी क्षार दूसरे नाइट्रोजनी क्षारों से बंध बना रहा है, तो इसी वजह से जो डीएनए की शेप निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है, यानी कि डबल हेलिक्स निकल कर आती है, जिसमें क्या होता है कोई एक नाइट्रोजन क्षार दूसरे नाइट्रोजन क्षार से क्या बनाता दिखता है, बंध बनाता दिखता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो डीएनए होता है वो द्विसूत्री होता है। तो इसके पीछे एक मुख्य कारण यह होता है कि डबल हेलिक्स आकार जो है वो डीएनए प्रतिकृति और प्रोटीन संश्लेषण होने की अनुमति देता है। वही अगर हम अपने बचे हुए ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि पहला वाला एक सूत्री, तो देखिए एक सूत्री जो डीएनए है वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जितने भी नाइट्रोजन बेस पेयर उपस्थित होंगे वह किसी और के संग बंध नहीं बना पाएंगे, तो जिसकी वजह से आगे प्रोटीन के निर्माण में या फिर इससे जो आरएनए का निर्माण होता है उसमें काफी दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से त्रिसूत्री में क्या होगा कि जो दो नाइट्रोजन है यानी कि दो स्ट्रैंड के जो बेस पेयर है वो तो आपस में बंध बना लेंगे, लेकिन जो एक स्ट्रैंड होगा उसके जो नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे वो बंध नहीं बना पाएंगे। वही चार सूत्री की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को यानी कि इसकी जो संरचना है उसका उसके निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चार स्ट्रैंड उपस्थित होंगे तो उन्हें एक तो एक साथ रखना, क्योंकि दो दो का जोड़ा बना लेंगे वो बंध बना के, तो फिर उन दोनों को एक साथ रखना काफी कठिन हो जाएगा, इसलिए चार सूत्री भी ये नहीं होगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा द्वित सूत्री। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।